जिंदाबाद जिंदाबाद, ये मालगुरुम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोशनगिरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोशनगिरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मालगुरुम जी का नेतृत्व पर जनता का विश्वास है और हम लोग सब जनता को धन्यवाद देता है कि इतना 3.5 वर्ष जनता ने हम लोग को साथ दिया। बीजेपी ने 11 वर्ष में कुछ नहीं किया, उसने 11 जात गोष्ठी को ट्राइबल स्टेटस भी नहीं दिया, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का लिए भी नहीं किया। मोदी जी ने बोला, अमित शाह जी ने बोला, वो बात कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग ने दीदी का साथ हाथ मिला लिया। दीदी के साथ तो गोरखालैंड तो नहीं मिलेगा। देखिए, गोरखालैंड का जो मुद्दा है, 2024 में हम लोग जो पार्टी गोरखालैंड को मुद्दा को समर्थन करेगा उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। बिमल जी ने ये घोषणा 21 अक्टूबर को कोलकाता से भी किया है। बिमल जी कब आएंगे पहाड़ में? बिमल जी अब जल्दी आएंगे, शायद 6 तारीख को बिमल जी सिलगुड़ी पहुंचेंगे। सिलगुड़ी जनसभा होगा? सिलगुड़ी में बागाजुद्दीन में हम लोग ने परमिशन किया है। अगर बागाजुद्दीन छोटा जगह हो गया तो और कोई दूसरा जगह में हम लोग जनसभा करेंगे। अनित थापा जी ने बोल रहे हैं आप लोग जब पहाड़ में जाएगा तो पहाड़ अशांत हो जाएगा। पहाड़ अनित थापा और विनय तामंग ने आज तक बर्बाद करके रखा है। करप्शन हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, हाँ, डेमोक्रेसी का हनन हुआ है। तो आप बिमल जी जब आएंगे तब डेमोक्रेसी बहाल होंगे। एक साथ देखिए, बिमल जी का जो सपोर्ट है वो जनता का सपोर्ट है, विनय जी का सपोर्ट, विनय जी का सपोर्ट वो खुद का सपोर्ट है। Please like our Facebook page and do subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon to never miss the latest updates from News at 9.